हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। तो हम कहाँ थे क्लॉक टेस्ट में? हम अपना टाइप फर्स्ट क्या कर चुके थे? कंप्लीट। तो आज हम कौन सा टाइप पढ़ेंगे? अपना टाइप सेकंड। तो टाइप सेकंड पढ़ने से पहले हम टाइप फर्स्ट को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो टाइप फर्स्ट क्या था? घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में जाना, या फिर क्या होना, ओवरलैपिंग या फिर संपाती, 360 डिग्री, 0 डिग्री, इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है। तो हम अपना एक नया क्वेश्चन देखते हैं टाइप फर्स्ट में। क्वेश्चन है, 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे, कौन सा क्वेश्चन है ये, बजे का, कितने बजे संपाती होगी, क्या होगी, संपाती होगी, संपाती 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री पर होगी। तो क्या बताया था मैंने, हर एक घंटे में कितनी बार संपाती होती थी, केवल वन टाइम। तो 9 से 10 के लिए हमने क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फर्स्ट वाला टाइम यहां पर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 9, फिर मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, m प्लस m अपॉन 11, 9। अब घड़ी में अगर हमें कितना बजाना है, 9, हार की सुई कहां पर है, 9 पर, और मिनट की सुई अभी हम मानते हैं 12 पर। तो अगर ये ऐसे घूम के कहां पे आती है, 9 पे, तो अपना कितना मिनट कंप्लीट करती है मिनट की सुई, 45 मिनट। तो मिनट के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 45 प्लस 45 अपॉन 11, 9। 9 क्या है यहां पर, बजे, इट मींस हार, और ये हम क्या कर रहे हैं, मिनट को सॉल्व कर रहे हैं। 45 प्लस 11 से 45 को क्या करेंगे, डिवाइड करो, कितने टाइम होगा, 4 टाइम, क्या बचेगा, 1 अपॉन 11। 4 को 45 में क्या कर देंगे, प्लस कितना मिलेगा, 49, 1 अपॉन 11। तो हमारा राइट टाइम क्या आया है, 9:49, 1 अपॉन 11 मिनट। तो घड़ी की दोनों सुइयां 9 से 10 बजे के बीच कितने बजे संपाती होंगी, इट मींस एक दूसरे के ऊपर होंगी, ये वाली सुई मिनट वाली, हार वाली सुई के कहां पे आ जाएगी, इसके ऊपर, कितने बजे, 9:49, 1 अपॉन 11 मिनट पे। क्लियर है? अब इधर देखना, मैंने आपको टाइप फर्स्ट में एक क्या डलवाया था, नोट, क्या नोट था, वह 11 से और 1 बजे के बीच दोनों सुइयां कितनी बार संपाती हो रही थी। इधर टाइम देखो, कितना टाइम है, 11 टू 1, 2 आवर, कितना कंप्लीट हो रहा है, 2 आवर, तो 2 आवर में कितनी बार संपाती होनी चाहिए थी, 2 टाइम। लेकिन मैंने आपको नोट में क्या लिखवाया था, कितने टाइम संपाती होती है ये, 1 टाइम। अब कैसे होती है, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। तो इसमें हमें 2 टाइम मिलेंगे, 11 टू 12 एंड 12 टू 1। तो सबसे पहले हम 11 टू 12 वाला कैलकुलेट करते हैं, कौन सा टाइम लेंगे, 11, वही सेम फॉर्मूला, m प्लस m अपॉन 11, यहां लिखो 11, देन अब 11 के लिए हम मिनट कितना लेते हैं, 55, देन अगेन 55 अपॉन 11, इससे क्या करेंगे, 11 से डिवाइड, कितना मिलेगा, 5, देन 55 प्लस 5 अगर मिनट करते हैं, ये क्या है हमारे पास, मिनट, तो कितना मिनट मिला हमें, 60 मिनट, और हार कितना दिया है, 11, 60 मिनट मीन्स क्या होता है, 1 हाफ,
वन हार को हम इधर अगर लेके आते हैं तो 11 में अगर एक हार और कम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 12 हार। तो क्या टाइम मिला 12 बजे। 12 बजे दोनों सुइयां क्या होंगी एक दूसरे के ओवरलैप। 11 टू 12 के बीच में दोनों सुइयां कितने बजे ओवरलैप करेंगी, जब घड़ी में कितना बजेगा 12, कितना टाइम होगा घड़ी में 12 क्लॉक, दोनों सुइयां किस पर आ जाएंगी 12 पर। अब सेकेंड टाइम देखना क्या दिया है 12 टू 1। 12 टू 1 के लिए सबसे पहले सुइयां कहाँ पर है 12 पर, तो 12 बजे पर दोनों सुइयां सबसे पहले ओवरलैप है ना, 12 बजे ही का क्या दी हुई है दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। तो 12 से और अगर हम 1 के बीच कैलकुलेट करते हैं तो दोनों सुइयां कितने बजे ओवरलैप हो रही है 12 वो क्लॉक पर। तो 12 टू 1 के बीच में अगर हम निकालते हैं तो कितना मिलेगा हमें 12। तो इस प्रकार यहां भी हमें कितना मिला 12 और यहां भी कितना मिला 12। तो इसलिए इन दोनों टाइम को अलग अलग ना लेकर हम कितने बार कैलकुलेट करते हैं इसको 1 टाइम, कितना बार मानते हैं हम इसको 1 टाइम। इसलिए जो सुइयां हैं 11 टू 11 बजे से और 12 बजे के बीच में दोनों सुइयों को हम कितनी बार ओवरलैप मानते हैं यहाँ ओनली 1 टाइम ना कि 2 टाइम। क्लियर है सभी को? तो टाइप फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने टाइप सेकंड की तरफ। टाइप सेकंड देखना क्या दिया है। टाइप सेकंड क्या है, घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होना। लंबवत, लंबवत को हिंदी में, हिंदी मीनिंग इसका क्या होता है लंबवत, और लंबवत का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्ट, कि दोनों सुइयां कितने डिग्री पर होना 90 डिग्री एंगल पर होना। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी दोनों सुइयां आपस में 90 डिग्री। और क्या हो सकता है 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं समकोण। तो कैसे होती है समकोण, सपोज अभी घड़ी में टाइम दिया हुआ है, मानते हैं अभी कितना ये मिनट की सुई है और इसको हम मानते हैं हार की सुई जो कि किस पर दी हुई है 2 पर। 3 4 5 7 9 11 जो 2 पर जो सुई है 2 पर वो किसकी है हार की, और जो 12 पर है वो किसकी है मिनट की। इट मीन्स अभी कितना टाइम हुआ है 2 o'clock। तो 2 o'clock पर दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है नहीं, तो 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए इस मिनट की सुई को हमें कहां पर करना होगा 11 पर। अगर मैं मिनट की सुई को 11 पर करती हूं तो मिनट व हार की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो एक पोजीशन तो कौन सी है, हार की सुई किस पर है 2 पर, और एक मिनट की सुई किस पर है 11 पर। तो एक पोजीशन तो लंबवत होने की ये है। एक और क्या हो सकती है, अगर हार की सुई 2 पर है और मिनट की सुई को मैं कहाँ लेके आती हूँ 3 4 एंड 5 पर, कहाँ लेके आती हूँ 5 पर, तब भी दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब एक वन हार में क्या बोला मैंने, वन हार में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार आपस में लंबवत होती है 2 टाइम। वन आवर में कितने टाइम होती है 2 टाइम। तो घड़ी में कितना टाइम दिया हुआ है 12, तो 12 घंटे में 12 आवर में कितने टाइम दोनों एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। हमने क्या किया 1 का डबल किया 2, तो 12 का डबल कितना होगा 24, लेकिन यहां पर कितने टाइम लंबवत होगी 22 टाइम। कितने टाइम होगी 22 टाइम ना कि 24 टाइम। 24 यहां पर क्या होगा रॉन्ग, क्यों होगा, क्योंकि जो कंडीशन होती है कौन सी, 2 से
और 4 बजे के बीच एंड 8 to 10 के बीच कितना आवर कंप्लीट हो रहा है? 2 आवर। तो कितने टाइम लंबवत होनी चाहिए थी? 4 टाइम। लेकिन 2 to 4 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 2 आवर में 4 टाइम ना होकर कितने टाइम लंबवत होती है? 3 टाइम। ऐसे ही 8 to 10 के बीच भी 4 टाइम ना होकर कितने टाइम लंबवत होती है दोनों सुइयां? 3 टाइम। तो 1 टाइम तो हम यहां से रिड्यूस करेंगे एंड 1 टाइम हम यहां से रिड्यूस करते हैं, तो पूरे 12 आवर में कितना टाइम रिड्यूस हो गया? 2 टाइम। इसलिए 24 ना आकर यहां पर हमें कितना मिला है? 24 ना मिलकर कितना मिला है हमें? 22। तो 12 आवर में कितने टाइम एक दूसरे के लंबवत होंगी दोनों सुइयां? 22 टाइम। अगर हम 24 आवर की बात करते हैं तो 24 आवर में कितने टाइम होगी? 44 टाइम। 22 का डबल किया तो क्या मिला? 44 टाइम। क्लियर है? इसे नोट करना कॉपी में। ये क्लियर है? ये कैसे होता है 2 to 4 के बीच में 3 टाइम? ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। और 8 to 10 का भी सेम, जैसे 2 से और 4 के बीच में 3 टाइम होगा, ऐसे ही 8 to 10 का भी कितने टाइम कैलकुलेट करेंगे हम? 3 टाइम। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। नई स्लाइड लेते हैं, जस्ट अ मिनट। अब क्वेश्चन, जैसे हमने टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन के 2 टाइप देखे थे। फर्स्ट टाइप तो किस पर बेस्ड था? कितने बार। क्या पूछा था ऑनली क्वेश्चन में? कि कितने बार संपाती होगी। या अगर हम अपने सेकंड टाइप की बात करते हैं तो कितनी बार दोनों सुइयां क्या होगी? लंबवत। और जो सेकंड टाइप होगा क्वेश्चन का, वो क्या होगा? कितने बजे, क्या होगा? कितने बजे लंबवत होगी। तो हम सबसे पहले एक बार का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, 1 से 6 बजे के बीच, 1 to 6 के बीच, बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होगी? या फिर आपको क्वेश्चन में क्या मिल सकता है? 90 डिग्री एंगल पर होगी। तो सिंपली हमें इसमें क्या करना है? अपना टाइम कैलकुलेट करना है। तो 1 आवर में कितने बार हो रही है? 2 टाइम। क्या बताया था मैंने आपको? 1 आवर में 2 टाइम। तो हम यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? हार कैलकुलेट करते हैं। तो 1 to 6 के बीच में कितना आवर होगा? 2, 3, 4, 5 and 6। कितना आवर मिला हमें? 1, 2, 3, 4 and 5। 5 आवर। तो 1 आवर में कितने टाइम थी? 2 टाइम। तो 5 आवर में कितने टाइम होगी? 10 टाइम। लेकिन मैंने आपको एक साइड में नोट डालना, क्या था नोट? 2 to 4 के बीच में, 2 to 4 के बीच में कितना टाइम बताया था मैंने? 3 टाइम। इसको नोट डाल लेना आप, 2 to 4 के बीच में 3 टाइम एंड 8 to 10 के बीच में भी कितना टाइम बताया था? 3 टाइम। तो 1 to 6 के बीच में हमें कौन सा टाइम मिल रहा है? 2 to 4। तो यहां पर हम 10 टाइम में से हमारा एक टाइम जो है वो क्या करना पड़ेगा? हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 4 के प्लेस पर हमने क्या लिखा है? 3। तो यहां हम 10 में से क्या माइनस कर देंगे? 1। तो क्या आंसर मिलेगा हमें? 9 टाइम। एक बार और देखते हैं इसको कैसे किया मैंने। चलो हम टाइम को कैसे लिखते हैं अलग अलग। 1 to 2, 2 to 3, देन 3 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 6। 1 to 2 के बीच में 2 टाइम। अब इस टाइम को हम क्या लेंगे? कॉमन। 2 to 4 के बीच में तो कितना टाइम लिखेंगे इसको?
थ्री टाइम, यहाँ मैंने नोट में आपको लिखवाया है 2 to 4 के बीच में थ्री टाइम, देन 4 to 5 के बीच में अगेन 2 टाइम एंड 5 to 6 के बीच में 2 टाइम। तो क्या मिलेगा हमें, इन सबको ऐड करो तो कितना मिलेगा हमें, 9 टाइम। तो 1 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने टाइम 90 डिग्री एंगल पर होगी, कितने टाइम लंबवत होगी, 9 टाइम। क्लियर है, इसको नोट करो, कर लिया नोट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा देखेंगे, बजे का। तो क्वेश्चन लिखो, 5 to 6 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होगी। कौन सा क्वेश्चन है, बजे का। अब मैंने क्या बताया था, 5 to 6 के बीच में कितना कैलकुलेट हो रहा है, 1 आवर। तो कितने टाइम होगी, 2 टाइम। तो हमें यहां पर कितने टाइम कैलकुलेट करने पड़ेंगे, 2 टाइम। तो फर्स्ट वाला टाइम एंड सेकेंड टाइम। अब होगा कैसे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने टाइप फर्स्ट में अपना कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, m प्लस m अपॉन 11। यही सेम फॉर्मूला हम अपने टाइप टू में भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। टाइप फर्स्ट में हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हमने कौन सा टाइम लिखा था, फर्स्ट वाला टाइम। तो यहां भी हम कौन सा टाइम लिखेंगे, 5, देन क्या लगाएंगे, फॉर्मूला m प्लस m अपॉन 11। 5, अब यहां पर मिनट कितना लेंगे वो समझते हैं। मैं आपके सामने क्या बना रही हूं, एक क्लॉक। कितना टाइम दिया हुआ है, 5 बजे। तो कितना बजाना है हमें अभी घड़ी में, 5 o'clock। इसको 5 मानो, इसको 3, देन 4, देन इसे हम क्या मानते हैं, 6, 1 and 2। अब मिनट व हार की सुई के बीच 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए मिनट की सुई कहां पर आएगी, 2 पर। तो देखो 2, 3, 4 and 5, तो कितना एंगल बना, 90 डिग्री। इस 5 पर हम फिर से इसको फिर से करते हैं, एक मिनट, आप देखो अब क्लियर है कितना एंगल बन रहा है दोनों सुइयों के बीच, 90 डिग्री। तो एक तो मिनट की सुई कहां पर होगी, 2 पर। सेकंड कंडीशन कौन सी होगी, 7 and 8। अब मिनट की सुई कहां पर होगी, 8 पर। तब भी दोनों सुइयों के बीच कितना एंगल बना, 90 डिग्री। तो क्या समझ आया, 90 डिग्री एंगल के लिए दोनों सुइयां कितने के गैप पर होगी, 15 मिनट के गैप पर। देखो यहां पर कितना मिनट है, 10, देन 15, 20, 25। कितने मिनट का गैप है दोनों सुइयों के बीच, 15, और इधर भी कितने मिनट का गैप है, 15। तो सबसे पहले हम जब मिनट की सुई 2 पर है तब इसके लिए हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो जब मिनट की सुई 2 पर है तो कितना मिनट लेंगे, कितना मिनट होता है, 10 plus 10 upon 11। 11 से 10 डिवाइड नहीं होता है, क्या लिखेंगे, 10 upon 11। तो एक टाइम तो हमें ये मिला। अब हम कैलकुलेट करते हैं अपना सेकंड टाइम, वही सेम प्रोसेस, 5 m plus m upon 11। नाउ अब मिनट की सुई कहां पर है, 8 पर। कितना मिनट होगा बताओ, 8 पर कितना मिनट होता है, 40 मिनट। तो 40 मिनट को
40 अपॉन 11 लिखा, देन 5 40, इसको डिवाइड करो कितने टाइम होगा, 3 टाइम, क्या बचा, 7 अपॉन 11, 5 3 को इसमें ऐड करेंगे 40 में, 43, 7 अपॉन 11। सेकेंड टाइम हमारा कौन सा कैलकुलेट हुआ, 5 43, 7 अपॉन 11। क्लियर है सभी को यहां तक? कुछ नहीं है, क्या किया हमने, सबसे पहले कौन सा टाइम लिया, 5 वाला टाइम, सबसे पहले यहां पर 5 लिखा, टाइप फर्स्ट में हमने जो फॉर्मूला यूज किया था 5 प्लस 5 अपॉन 11, वही सेम फॉर्मूला हमने यहां भी लिखा। अब मैंने क्या किया था, एक घड़ी बनाई थी, उसमें कितने बज रहे थे, 5 o'clock, तो अब मिनट की सुई चलती चलती कहां पर आई, 2 पर, तो कितने का एंगल बना रही है हार और मिनट की सुई, देखो हार और मिनट की सुई के बीच कितना एंगल बना, 90 डिग्री। तो जब मिनट की सुई 2 पर थी तब कितना मिनट लिया हमने, 10 मिनट, हमें क्या मिला, 5 10 10 अपॉन 11। अब सेकेंड टाइम देखो कौन सा लिया था हमने, मिनट की सुई अब चल के कहां पर आ गई है, 8 पर, तब भी दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री। 8 के लिए कितना लेंगे, 40 प्लस 40 अपॉन 11, इससे मैंने इसको डिवाइड किया, 3 7 अपॉन 11, इसको ऐड किया, 43 7 अपॉन 11, तो हमें 2 टाइम मिल गए हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखना है, 7 to 8, क्या टाइम दिया है, 7 से और 8 के बीच दोनों सुइयां कितने बजे 90 डिग्री एंगल पर होगी, तो सबसे पहले कौन सा टाइम लिखेंगे, 7 m plus m upon 11, ये फर्स्ट टाइम के लिए मान लेते हैं, और यहां अपना सेकंड टाइम कैलकुलेट करेंगे, m plus m upon 11, 7। अब हार की सुई किस पर है, 7 पर, तो मिनट की सुई कहां होगी, 6 5 and 4, कहां होगी, 4 पर, और एक सुई कहां पर होगी, 8 9 and 10 पर, दूसरी सुई, सबसे पहले मिनट की सुई कहां पर होगी, 4 पर, तो कितना एंगल बन रहा है, 90, क्या बताया था मैंने, 15 मिनट इसको क्या कर लो, पीछे की तरफ, और 15 मिनट आगे की तरफ, अगर पीछे की तरफ करते हैं तो कितना होगा, 4 पर, और अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो कहां पर आ जाएगी मिनट की सुई, 10 पर, तो सबसे पहले हम 4 के लिए कैलकुलेट करते हैं, कितना मिनट लेंगे, 20 मिनट, 20 अपॉन 11, 7 20 प्लस 1 टाइम, कितना बचा, 9 अपॉन 11, 1 को ऐड करो 20 में, 21, 9 अपॉन 11, एक टाइम तो हमारा ये कैलकुलेट हुआ है। अब सेकेंड टाइम देखना, कहां है मिनट की सुई, 10 पर, तो कितना मिनट कैलकुलेट होगा, 50 मिनट, 50 अपॉन 11, 7 50 4 टाइम, क्या बचेगा, 6 अपॉन 11, इसमें ऐड करो, 7 54 6 अपॉन 11, आया सभी को समझ में, नोट करना इसको, फिर हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, जो मैंने आपको नोट लिखवाया था, क्या नोट लिखवाया था, 2 to 4 and 8 to 10, इनके बीच में कितने टाइम हो रही थी 90 डिग्री पर, 3 टाइम्स, तो वो कैसे होगी, ये हम देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू, मैं आपको 2 to 4 वाला बताऊंगी, देन आपको 8 to 10 वाला खुद से करना है, ओके, कर लिया नोट सबने, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन,
दो से चार के बीच दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 90 डिग्री पर होगी या लंबवत होगी। एक टाइम तो कौन सा मिलेगा हमें, 2, 2, 3 एंड सेकेंड टाइम 3, 2, 4। और 2, 2, 3 में भी हम कितने टाइम कैलकुलेट करेंगे, 2 एंड 3, 2, 4 में भी 2 टाइम। सबसे पहले देखते हैं, मैं लिखूंगी 2, कौन सा टाइम लेते हैं हम, फर्स्ट वाला टाइम। यहां पर फर्स्ट वाला टाइम कौन सा है, 2, देन m प्लस m अपॉन 11, 2। हार की सुई कहां पर है, 2 पर, तो मिनट की सुई कहां पर होगी, 11 पर। कहां होगी, एक तो 11 पर और कहां होगी, 3, 4 एंड 5। एक कहां होगी, 5 पर, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम 5 के लिए कैलकुलेट करते हैं, कितना मिनट होगा, 25। जब मिनट की सुई 5 पर होती है तो घड़ी में कितना मिनट कैलकुलेट होता है, 25 मिनट। आप लोग भी करो, 25, 11 टू जा 22, कितना बचा, 3 अपॉन 11, इसे ऐड करो, 2, 27, 3 अपॉन 11। एक टाइम तो कितना मिला हमें, 2, 27, 3 अपॉन 11। अब हम अपना सेकेंड टाइम निकालते हैं, सेकेंड टाइम में भी फर्स्ट 2m प्लस m अपॉन 11, 2। अब मिनट की सुई कहां पर आ गई है, 5 से 11 पर, 11 के लिए कितना मिनट, 55 प्लस 55 अपॉन 11, 2, 55। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, देन 5, 2, 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 आवर। तो 1 आवर को हम इस आवर में क्या कर देंगे, इस आवर में क्या कर देंगे, इसे प्लस, तो कितना आवर होगा, 3 आवर। तो क्या टाइम मिला, 3 बजे। तो 2 से 3 के बीच में एक तो कितने बजे लंबवत होंगी दोनों सुइयां, इतने बजे, और घड़ी में कितना बजेगा, 3 o'clock, तब दोनों सुइयां आपस में क्या होगी, 3 o'clock। तो आपस में दोनों सुइयां कहां पर होगी, लंबवत होगी, 90 डिग्री पर होगी। अब हम इसके लिए अपने दोनों टाइम निकालते हैं, कितना बचा है अभी, 3, तो देखते हैं, हार की सुई किस पर है, 3 पर, और मिनट की सुई है 12 पर। तो जब मिनट की सुई 12 पर है और हार की सुई 3 पर है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो हमें यहां पर निकालने की जरूरत ही नहीं है, कितने बजे हो रही है दोनों सुइयां, 3 बजे। और इसमें भी हमें कितना मिला था, 3 बजे, तो ये टाइम हमें क्या मिला है दोनों में, कॉमन। अभी हम अपना एक और टाइम निकालते हैं, ये मिनट की सुई कहां पर आ गई, 6 पर, कहां पर मिली है अब, 6 पर। इसके लिए टाइम निकालेंगे, 3m प्लस m अपॉन 11, 6 के लिए कितना मिनट, 30 प्लस 30 अपॉन 11, 3, 30 प्लस 2 टाइम, 8 अपॉन 11, 11 टू जा 22, देन 8, 30 ऐड करो, 32, 8 अपॉन 11। एक टाइम क्या मिला, 3, 32, 8 अपॉन 11। अब हमने चारों टाइम क्या कर लिए हैं, कैलकुलेट। फर्स्ट वाला टाइम कौन सा है, दिस वन, सेकंड इज दिस, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ।
अब हमें क्या दिख रहा है, सेकंड और थर्ड टाइम क्या है, कॉमन। दो से और तीन के बीच में भी जब कितना बजा है घड़ी में, तीन, और तीन से चार के बीच भी घड़ी में कितने बजे हैं, 3 o'clock। तो दोनों सुइयां क्या हो रही है, एक दूसरे के लंबवत। इसलिए हम ये जो 3 बजे वाला टाइम है इसको दो बार ना लेकर कितना बार लेते हैं, इसको हम 1 time कैलकुलेट करते हैं। इसलिए 2 से और 4 के बीच जो सुइयां है वो कितनी बार लंबवत मानते हैं हम यहाँ पर, 3 time, 4 time नहीं मानते। ओके, क्लियर है? तो मैंने आपको 2 से 4 का मैंने बता दिया है। अब एक कंडीशन क्या थी, 8 to 10, ये आपको खुद से निकाल के देखनी है। दिस इज योर होम वर्क। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 से 11 के बीच, देखते हैं इसको फटाफट क्या लिखेंगे। 10 देन m प्लस m अपॉन 11, कहां दी हुई है हार की सुई, 10 पर, तो मिनट की सुई कहां पर होगी, 11, 12 एंड 1 पर, कहां होगी, 1 पर। और 15 मिनट बैठ जाते हैं हम तो 9, 8 एंड 7, एक कहां होगी, 7 पर। तो 1 और 7 दोनों के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम 7 के लिए देखते हैं, 10 कितना मिनट लेंगे, 35 प्लस 35 अपॉन 11, 10 35 प्लस 11 3 जा 33, 2 अपॉन 11 क्या मिलेगा, ऐड करो दोनों को, 38, 2 अपॉन 11। एक टाइम तो हमने ये कैलकुलेट किया, सेकंड टाइम निकालो, 10 m प्लस m अपॉन 11, 10। अब सुई कहां पर है मिनट की, 1 पर, तो कितना मिनट लेंगे, 5 मिनट, इसको प्लस करो, 5 अपॉन 11, 5 डिवाइड नहीं होता है तो इसको एज इट इज लिख देंगे हम, कैसे लिखेंगे, 5 अपॉन 11। सेकेंड टाइम हमारा कौन सा कैलकुलेट हुआ है, 10:05 अपॉन 11। क्लियर है यहां तक सभी का? तो यहां पर हमारा टाइप 2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे अपना, टाइप 3। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले अपना, टाइप 3। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो क्या है, कौन सा टाइम आपको निकालना है, 8 to 10 के बीच, किस टाइप में, टाइप 2 में। क्लियर है? ओके, थैंक यू।